नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे गिवे चल रहा है, आई बटन पर जाकर देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी हैंडबैग। हैंडबैग बनाने के लिए मैंने ये दो फैब्रिक तैयार किया हुआ है। इसमें मैंने धागा भर के क्विल्ट कर लिया है, इस तरह किसी भी आकार में आप इसमें धागा भर सकते हैं। एक पीस में साइड रखती हूँ, इसकी लंबाई एंड चौड़ाई, इसकी लंबाई मैंने लिया है 21 इंच एंड चौड़ाई 8 इंच। इसको सबसे पहले मैं 20 इंच जिधर से उधर से मैं इसको फोल्ड करूंगी, इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है इसको। फोल्ड करने के बाद मैं इसको सबसे पहले मैं इसमें निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के लिए मैं यहाँ से 4 इंच की दूरी पे इधर से निशान लगाऊंगी और 4 इंच की दूरी पे इधर से भी निशान लगाऊंगी। और 4 इंच की दूरी इधर से भी लगाऊंगी। और यहाँ से भी ये लाइन मैं इसमें क्रॉस करूंगी, इस तरह मैंने इसमें मिला दिया। और ये लाइन मैं इसमें मिला दूंगी इस तरह। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 7 इंच की दूरी पे लेना है, 7 इंच की दूरी, और मैं इसका आधा निशान लगाऊंगी 3.5 इंच। 3.5 इंच की दूरी पे मैं यहाँ से 4 इंच लगाऊंगी निशान, जैसे कि यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन मैं इसमें मिलाऊंगी इस तरह, और ये लाइन मैं इसमें इस तरह मिलाऊंगी। और ये लाइन मैं इसमें मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको कट कर दूंगी। जिस तरह मैंने निशान लगाया है, इस तरह मैं इसको कट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने ये कटिंग कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मैं दूसरा पीस रखूंगी इसके ऊपर, इसी बराबर मैं इसको कट कर लूंगी। और मैं इसका थोड़ा थोड़ा कोना कट कर दूंगी, ये हल्का हल्का ये थोड़ा सेप दे दूंगी। मैंने ये दे दिया है। अब मैं ये दूसरा पीस रखूंगी, इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी इस तरह। इसी के शेप में मैं दूसरा पीस कट कर लूंगी, जिस तरह कटा हुआ है इसी शेप में मैं दूसरा पीस कट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने ये दोनों पीस काट लिया है। और इसमें मैंने राइस बोरी लगाया हुआ है, आप इसमें रबर शीट भी लगा सकते हैं, फोम भी लगा सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका बेल्ट तैयार करना है। बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने लिया है, मैंने इसमें राइस बोरी लगाया है, तो राइस बोरी में बेल्ट में भी लगाऊंगी। इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने लिया है 4 इंच एंड लंबाई लिया है मैंने 21 इंच। ये हमारे ब्लाउज का पीस बचा हुआ था, इसका मैंने बनाया है ये बैग। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं इसके बीच में रखूंगी, और बीच में रखने के बाद मैं इस तरह ये फोल्ड करूंगी, और इस तरह करके मैं इस पर सिलाई मारूंगी। ये बेल्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं मोड़ के सारे में सिलाई मारूंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसका बेल्ट तैयार कर लिया है। अब मैं एक पीस इस तरह रखती हूँ और एक पीस इस तरह। अब मुझे इसमें इस तरह लगाने हैं बेल्ट, एक बेल्ट मैं इसमें लगाऊंगी इस तरह और इस तरह। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई मार दूंगी और इसको भी दोनों पीस में मैं इस तरह सिलाई मारूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह सिलाई मारेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने ये बेल्ट लगा लिया है। अब मैं एक पीस साइड रखती हूँ। अब मैं लाइनिंग का कपड़ा लूंगी। लाइनिंग का कपड़ा मैं ये उल्टा रखूंगी। और जिस तरह मैंने ये कटिंग किया है इस तरह, और इसके चारों तरफ मैं ये सिलाई मार लूंगी जिस तरह ये मेरा कटिंग है। और नीचे से मैं ये थोड़ा सा छोड़ दूंगी, यहाँ से मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी ताकि पलटने के लिए, बाकी मैं सारे में सिलाई मार लूँ जिस तरह ये मेरा कटिंग है। इसी तरह मैं दोनों पीस में लाइनिंग लगा के सिलाई मार लूँगी। लाइनिंग के लिए आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। ये मैंने साड़ी के बचा हुआ लगाया है लाइनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने चारों तरफ सिलाई मार लिया जिस तरह मेरा ये कटिंग था। अब मैं इसको कट कर लूँगी। जितना कपड़े का मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लूँगी। मैंने ये कट कर लिया है। अब मैं इसके कॉर्नर थोड़ा कट करूंगी, थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसको इतना मैंने ये छोड़ रखा है, यहाँ से मैं सीधा करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पलट लिया है। इसको पलटने के बाद अब मैं यहाँ से जो जहाँ से मैंने पलटा है इसको मैं अंदर करते हुए इस तरह मैं इस पर सिलाई मारूंगी इस तरह मोड़ के, और मैं इसके चारों तरफ सिलाई मारूंगी जिस तरह ये मेरा कटिंग है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चारों तरफ सिलाई मार दिया है। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले इसका चैन लगाऊंगी। चैन लगाने के लिए मैं यहाँ से चैन लगाऊंगी, यहाँ से मैं चैन लगाऊंगी इस तरह इसके नीचे से। तो चेन मैं बड़ा ली हूँ, चेन की लंबाई बताती हूँ आपको। इसकी लंबाई मैंने लिया है 20 इंच। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको मैं साइड रखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये चेन लिया है। सबसे पहले मैं इसमें इस तरह ये रखूँगी और मैं यहाँ से सिलाई मारूंगी। सिलाई मारने के बाद मैं इसको मैं पलटूंगी इस तरह। मैं दोनों तरफ सिलाई मारती हूँ, इधर भी और इधर भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने ये लगा लिया है दोनों तरफ चेन में। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ये पीस लूंगी, इसमें मैं इस तरह लगाऊंगी। इसका मैं 20 सेंटर का निशान लगा लेती हूँ चेन में, इधर भी। और मैं यहाँ से शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं ये कंप्लीट करती हूँ एक पीस में। फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने ये लगा लिया है और मैं अब दूसरा पीस रखूँगी इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने ये लगा दिया है। अब मैं इसको
इसको इस तरह रखूंगी, इस तरह करके मैं इस पर सिलाई मार दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने ये चेन कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चेन ये इतना मैंने साइडों से छोड़ा हुआ है, चारों कोने, इधर भी और इधर भी और इधर भी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे सिलाई मारना है। पहले मैं यहाँ पे सिलाई मारूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई मार के कंप्लीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं इस तरह पकड़ूंगी, ये कॉर्नर पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई मारूंगी, और ये भी कॉर्नर पकड़ के इसको मैं सिलाई मार के कंप्लीट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने एक पीस में मैंने सिलाई मार दिया है। जैसे कि मैंने इसमें मारा, इसी तरह मैं इसमें मारूंगी, ये कॉर्नर इससे मिला के इससे मैं सिलाई मारूंगी दूसरे पीस का, और इसी तरह दूसरा भी कॉर्नर पकड़ के मैं इससे सिलाई मारूंगी। इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ चेन के पास से थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, मैं यहाँ से यहाँ तक की ये सिलाई इसमें मिलाऊंगी, और ये इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलाई मारूंगी, इधर भी और इधर भी मुझे इसी तरह करना है। जैसे कि ये कोना से कॉर्नर मिलाते हुए इस तरह, और यहाँ तक मैं सिलाई मारूंगी। इसको मैं सिलाई मार के कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मेरा ये बैग बन के कम्प्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद कुछ ये इस तरह दिखेगा, आप देख सकते हैं इसको, इस तरह ये बन के हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया है। और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको, खोलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये आपको बैग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और फ्रेंड्स चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब का गोल जल्दी से पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।